लोग कहो तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज हमने पहले बोला था कि पेपर के बाद से अपन केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, और ये पहले क्लास होगी तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कोई कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। सही रहेगा, बोलो कुणाल, यस सर। कुणाल आ गया, अस्मिता यस सर। बताओ क्या करना है फिर कल का प्लान, कुछ लोग तुम लोग बताओ, डाउट हो तो डाउट डिस्कस कर लेना, तो मैं अभी लगता हूँ तुम जैसा कहो वैसा कर लेंगे, क्लास की कहो तो क्लास लगा लेंगे। बोलो, यार बोला था तो बोलते नहीं हो तुम लोग। आवाज आ रही है सभी को, यस सर, बताओ भाई, अबूजर कुणाल यस सर, ठीक है सर, कुणाल नहीं आया क्या आज, आ गया सर, आ गया। क्या क्या सोच रहे हो बताओ, कुणाल बताते ही यस सर, ले लें क्या क्लास कल, हाँ सर, ले लीजिए। कि पेपर की प्रैक्टिस करनी है, कि मतलब तुम्हें लगता हो एक क्लास और लेनी चाहिए तो ले लूंगा, कैसा हो लास्ट तक सोच के बता देना। जैसे एक क्वेश्चन दूं मैं, ऐसे मैं आज भी कुछ रिवीजन नहीं कराऊंगा, ये फुल ऑर्गेनिक हो जाए आपका, Cl2H2O+ लिथियम से रिएक्शन करा दी तो B बना, फिर हमने इसकी रिएक्शन CuCl से करा दी, C बना, फिर हमने इसकी रिएक्शन CH3Cl से करा दी तो D बना, फिर हमने इसकी रिएक्शन, इसका हमने क्या करा दिया, क्लोरीनेशन करा दिया, मोनोक्लोरीन, ठीक है ना, कौन सा, मोनोक्लोरीन। और मैं पूछता हूँ यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे आपसे, पूछ सकता हूँ, चलो टोटल स्ट्रक्चर लो बता दो, टोटल स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ कितने बने, डी स्ट्रक्चर आइसोमर्स पूछ रहा हूँ कितने बने टोटल, या मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितने बने। स्ट्रक्चर बताने से प्रोडक्ट फाइव, किसने बताया आंसर, नॉन वेरी गुड, पांच ही हैं, आसान था। और कौन सी सिंथेसिस है ये, कोरे आउट सिंथेसिस पढ़ा हुआ है ना, एल्किन बनाने का मेथड था कोरिंग नोट्स। है ना, तो यहाँ पे क्या लगता था बच्चे पार्टी, Cl जब हम एल्काइल लिथियम कराते थे तो क्या बनता था, Li Cl CuCl कराते थे तो क्या बनता था, TuLi है ना, और जब हम CH3Cl से कराते थे, याद है यहाँ पे क्या था कि प्राइमरी होना चाहिए, FN2 रिएक्शन होती थी ना, तो यहाँ पे ये बनेगा, जब हम इसका मोनोक्लोरीनेशन कराएंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, पांच बनेंगे, एक दो तीन चार, और एक, क्लियर है, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इससे ये बनाना है, TH4 से TH3COOH बनाओ, कैसे बनाओ, ठीक है।
डन सर। अस्मिता और कोई? यस सर डन। बताओ यहाँ पे क्या करोगे आप? पहले क्या किया हुआ आपने? क्लोरीनेशन CH3 CN, ठीक है, एक्वस KCN किया होगा तो क्या बनेगा? CH3 CN और इसका हाइड्रोलिसिस किया होगा क्या बन जाएगा? एस्ट क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। ओके सर। जो बता देना जो तुम्हें चाहिए हो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ यदि तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं क्लास जरूरत क्या वो तो मेरी होनी है, हर टाइम क्लास होनी है, बट यदि तुम्हें लगता है कल क्लास होनी चाहिए तो भी बता देना, उसी हिसाब से मैं क्लास कर लूंगा। जो भी डिसीजन हो मुझे बता देना लास्ट तक, मुझे पूछना ना पड़े दोबारा से। एक बात बताओ, चलो तुम लोग अस्मिता कुनाल, एक क्वेश्चन है मेरा, बोलते कम हो या मतलब मैं पूछता हूँ तो क्या मतलब? जब पता होता है तब बोल देते हैं, नहीं पता होता तो नहीं बोलते। तो यदि मान लो, अच्छा ऐसा है, अब मैं समझ गया, ड्यूटी के बताओ सर, अब नहीं पता होगा तो भी बोल देंगे। अब बताओ मतलब नहीं पता तो बोल दो सर, पता नहीं है बोलते नहीं हो ना, तो मुझे पता नहीं चलता हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चीज है। हो गया? नो सर। बोलना चाहिए, देखो क्या करोगे इसका बताओ। Cl2 एथी करा दें या Br2 एथी करा दें, क्या बन जाएगा? चलो Br2 करा देते हैं, काम करते हैं। Br2 FeBr3 या Fe ले सकते हैं या AlCl, तुमने बताया था ना हैलोजनेशन होता है। Br लग गया, अब हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी? अब हमने इसकी रिएक्शन करा दी Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या बन जाएगा? Mg Br या IIT में क्वेश्चन आया था, JEE में
जब हम इसका क्या कराएंगे D2O से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? क्लियर हो गया? यस सर। आगे बढ़े? यस। सर इसका नियम क्या होगा? किसका? फाइनल जो प्रोडक्ट ड्यूटेरेटेड बेंजीन बोल देंगे इसको। यहाँ पे देखो यदि मैं हम लोगों ने ए लिखा, ए का हमने ओजोनेसिस करा लिया TCl4 इंप्रेजेंस ऑफ H2O जीन, ठीक है क्या बनेगा CH3 सी डबल में CH2 बाय 4 सी डबल में CH, बताओ क्या बनेगा? ए क्या बनेगा? यूपीएससी ने बता ये निकाल दो क्या बनेगा? ये होगा तभी इसका ये बनेगा। बोलो। यस सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, यही में आया था। ऑर्थोजाइलीन ले लो, ऑर्थोजाइलीन का यदि हम ओजोनेसिस करा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ कितने बनेंगे?
सर थ्री हो गया। और तो जालिम का स्ट्रक्चर पता है? यस सर। तो कितने बनेंगे पता? थ्री डिफरेंट आ रहे हैं। थ्री आ वही तीन साथ है, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सा फंडा था, यदि हम और तो जालिम लिखते हैं तो ये भी एक स्ट्रक्चर बनेगा और तो जालिम का, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा बताओ, ये भी तो एडजस्ट कर सकता है। CH3 बना लोगे ना? कौन कौन से बनेंगे तीन प्रोडक्ट? एक तो ये बनेगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH डबल बॉन्ड ओ, एक क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड हो CH डबल बॉन्ड हो, इससे क्या मिलेगा इस वाले से जब बॉन्ड ब्रेक करोगे? तो इससे मिलेगा आपको तो ये मिल गया ना CH डबल बॉन्ड CE वाला मिल जाएगा इससे, है ना। इससे क्या मिलेगा जब बॉन्ड ब्रेक करोगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो, इससे मिलेगा एसीटोन, ये कीटोन डाइकीटोन मिलेगा। यही तीन मिलेंगे प्रोडक्ट, बोलो। यस सर। बना सर, सर सेकंड प्रोडक्ट कैसे बनाया हमने? ये वाला इससे मिलेगा ना जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? देखो बाहुबली की तलवार उठाई, उड़ा दिया इसको, CH डबल बॉन्ड हो CH डबल बॉन्ड हो, ये तो मिलेगा। ये देखो ये वाला उड़ाओ, दिखाऊं क्या अच्छे से? देखो जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? देखो ऑक्सीजन यहाँ भी जाएगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन यहाँ भी जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ भी जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा बताओ? TH डबल बॉन्ड हो CH डबल बॉन्ड हो। यदि याद हो मैंने क्वेश्चन कराया था बेंजीन का, जब हम ओजोलिसिस कराते हैं तो 3 मोल क्या मिल रहा था हमें? ग्लाइऑक्सल मिल रहा था, याद है? बोलो। यस सर। एक क्वेश्चन और लिखो, हमने ये ले लिया CH2OH, जब हम इसकी रिएक्शन लिगनार्ड एजेंट से कराएंगे MgCl से, एक्स में लिया था, ठीक है ना, तो गैस मिली हमें, ठीक है ना, गैस मिली। तो हम पूछ रहे हैं गैस की वॉल्यूम पूछ रहे हैं उसका एट एनटीपी, बताओ चपाटी कैसे होता है? ऐसी हमें ग्लिसरॉल का नाम था ना ग्लिसरॉल, इसको ग्लाइकॉल बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। यही के क्वेश्चन है, इसमें से एक आया है, कौन सा है ये मुझे नहीं पता है ना, ग्लिसरॉल बोलते हैं इसको। इसकी रिएक्शन यदि हम ETMGCL से कराते हैं, ईटी समझते हो थायल, तो क्या मिल रहा है? गैस यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मैं पूछ रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, बताओ कैसे बताओ?
मालिक। बोलो। 44.8 लीटर। और दूसरा भी करो। बताओ। 67.2। यहाँ पे कितना आएगा? 2 मोल। कितने मोल गैस मिल रही है बताओ? पहले में 2, दूसरे में 3। पहले में 2 मोल, वो भी कौन सी? मीथेन गैस, मार्स गैस भी बोलते हैं इसको। 2 मोल मिल रही है, ठीक है। मतलब कितना? 2 × 22.4 यानी कितना बोलो? हो जाएगा ना 44.8। यहाँ पे कितने मोल मिल रही है? 3 मोल मिल रही होगी। 3 मोल ईथेन है ना, तो क्या हो जाएगा? 3 × 22.4। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको उस तरीके से देगा लिख के, थ्योरेटिकल में लिख के देगा और आपसे पूछ लेगा, है ना। तो आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप से। एक क्वेश्चन और करो। CH4 से आपको बनाना है CH2, CHD, CH2, CH3, ठीक है। दूसरा है आपको CH4 से ही बनाना है CH, यहाँ CH3 कर देना, CH3, CH हो जाए तो नाम बताना मुझे। शायद एक मैंने इसमें से एक क्वेश्चन करा दिया था पहले भी, याद नहीं कराया कराया, याद है करा दिया। डन सर। दोनों? यस सर। वेरी गुड कुणाल। यस सर। और किसी ने कर पाया? क्या कर देंगे यहाँ पे बता? वही मैं यहीं पे लिख देता हूँ। पहले हम कराएंगे इसका क्लोरीनेशन, ठीक है ना। फिर हम इसका कराएंगे क्या बोलो? बुर्ज रिएक्शन, फिर दोबारा क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन फिर दोबारा बुर्ज, बुर्ज क्या? ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन फिर ग्रिग्नार्ड, ऐसे इसमें भी कर लोगे? यहाँ पे कहाँ तक करोगे आप? पहले तो क्लोरीनेशन करोगे है ना, फिर आप क्या करोगे? एन ईथर करोगे। ये तो सेम ही स्टेप चलेंगे, 4 स्टेप्स होंगे, ठीक है ना। फिर क्लोरीनेशन करोगे, फिर से आप क्या करोगे? बुर्ज रिएक्शन करोगे, फिर से आप क्या करोगे बोलो? ब्रोमिनेशन करोगे, डोमिनेशन, फिर क्या करोगे? एक्वस केसीएन करोगे, और फिर क्या कर दोगे? हाइड्रोलिसिस कर दोगे। यही होंगे स्टेप? यस सर। तो यहां तक क्लियर हो गया है? आगे बढ़े। कुछ तुमको अलग सा कराया जाए ना, क्या बोले? तो CH3,
CH2, CH2, CH3 इस काम कर देते हैं सबसे पहले Br2HNu ये बनेगा ठीक है। फिर हम इसका कर देते हैं एल्कोहलिक OH तो B बनेगा। फिर हम इसका कर देते हैं ओजोनलिसिस वो भी ऑक्सीडेटिव तो C बनेगा। ठीक है फिर हम इसका करा देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन डी बनेगा। अच्छा ये हो गया। फिर हम इसका करा देते हैं Me3CO-K+ से रिएक्शन तो ई बनेगा। फिर हम इसका करा देते हैं O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक तो F बनेगा। जिंक मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव ही करा हो क्या करा ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस ठीक है तो F+G बनेगा ठीक है ना। ये गैस होगी। अच्छा फिर F का हम क्या करा दें फिर से हम इसका CaO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH करा देते हैं तो जी बनेगा सॉरी H बनेगा। बताओ क्या होगा क्या बनेगा ये क्या बनेगा आपको बताओ CH3 CH2 CH3 ठीक है एल्कोहलिक OH करोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करोगे CH3 COOH दो मोल मिलेगा। और फिर आप डीकार्बोक्सिलेशन करोगे क्या मिल जाएगा आपको मीथेन गैस ये बनेगा। ई क्या मिलेगा आपको आपको ई वाली एल्कीन जो मिलेगी वो ये वाली मिलेगी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा अब जो F+G है F मिलेगा आपको CH3 प्रोपेनोइक एसिड है ना और जी जो मिलेगा आपको वो मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आप इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे है ना तो क्या मिल जाएगा आपको बताओ क्लियर है ये बनाया था यस सर। Thank you.
टैगिंग इंसर्शन पढ़ा है आपने? अच्छा, जैसे मान लो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूं आपको, साइक्लोहेक्सेन से, चलो इस तरीके से, चलो साइक्लोहेक्सेन से बताओ आपको बनाना है। चलो साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से देखो, आप थोड़ा सोच लो यार, आपको ये कंपाउंड दे दिया CH2 का ओल फोर CH2 OH, इसकी रिएक्शन, इससे हमें ये बनाना है। क्या बनाना है? दिमाग से निकल रहा है क्या था? CH2 OH, इससे आपको बेंजीन बनानी है। कैसे बनाओ? सोचो, हो गया कुणाल? नो सर। करो करो, हो गया कुणाल? क्या नहीं सर, कर रहा हूँ। करो करो,
हो गया, फिर दिमाग चला नहीं चला पाए पहले तो एच प्लस का अटैक करा देंगे, क्या? पहले एच प्लस का अटैक करा देंगे, टकरा एच प्लस का अटैक, दोगे क्यों? उससे ओ एच निकल जाएगा, हाँ टर्मिनल में दोनों साइड एल्कीन बन जाएंगी, फिर ब्रोमिनेशन करा देंगे, फिर हम्म, एल्कोहल के एच से बीच में भी एल्कीन बन जाएगी, ब्लास्ट की दो नहीं टर्मिनल हाइड्रोजन निकालनी है बस। नहीं ऐसे नहीं होगा। देखो ये तुमने किया हुआ है एक तरीके से, मैंने बस इसको जोड़ दिया था, मैंने इसलिए इसको थोड़ा टफ कर दिया था कि तुम थोड़ा सोच पाओ। आप यहाँ पे कुछ मत करो, PCl5 करा दो पहले पहले, क्या हो जाएगा? यहाँ भी CL, ठीक है, एनी था करा दे, क्या बन जाएगा? ब्रोमिनेशन करा दे या क्लोरीनेशन भी करा दे, एल्कोहलिक QH करा दे, हो जाएगा? यस सर, अब इसका करा NBS, याद आ रहा होगा कुछ? यस सर, थोड़ा थोड़ा सा फिर एल्कोहलिक क्यों है? फिर से क्या करें? NBS फिर से क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक क्यों है? ये चीज सोचना आना चाहिए, यही तो सिखानी है मुझे तुम्हें, ये सीख जाओगे जिस दिन समझो तुम, एडवांस भी निकाल लो, नीट जेई भी निकाल लो, सब निकाल लो यार। कुणाल, मतमिता, अबूजर, कौन सी IIT सबसे अच्छी लगती है? कुणाल तुम्हें कौन सी IIT अच्छी लगती है? अभी सर्च किए हो? सर कौन सी स्पेसिफिक तो नहीं बोल, है? कुणाल तुम बताओ पहले जल्दी। स्पेसिफिक तो नहीं है कोई, अच्छा स्पेसिफिक नहीं है, मैं क्योंकि मैं कुछ बताने वाला हूँ इसलिए मैं पूछ रहा था। अबूजर, अबूजर, अस्मिता, बॉम्बे दिल्ली, बॉम्बे दिल्ली, अस्मिता सर रूड़की, रुड़की, क्या बात है। और रुड़की पता, पहले IIT पहले रुड़की एक्चुअली अलग एग्जाम लेता था, आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रुड़की करके आता वो क्वेश्चन, आपने देखे हो ना? पहले रुड़की IIT में शामिल नहीं था, पहले रुड़की अपना अलग पेपर करा देता था। पता बेटा ऐसा नहीं है, आप लोग एम करो, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों के साथ प्रॉब्लम आता है, बच्चा क्या करता है। अच्छा कौन सी ट्रेड लेनी? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन सी लेनी है? इलेक्ट्रिकल, सिविल? कुणाल तुमसे स्टार्ट कर सीएस दो भाई, हम मैं चार ही बच्चों के नाम पांच जानता हूँ, कोई बच्चे नाम बताया नहीं है, बहुत से बच्चों का नाम मैं नहीं जानता हूँ, तो भाई यदि उनको बोलना हो तो मुझसे बोल रहे हैं भाई, बोल सकते हैं ना? ऐसा नहीं कि मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ, उनको भी बोल रहा हूँ, नाम बता। अबूजर, सर, मैकेनिकल अस्मिता, सर कंप्यूटर साइंस या फिर एरोनॉटिकल। यस सर, एरोनॉटिकल भी कभी सोचा है आपने? कभी काउंसलिंग देखी है सिलेक्शन के बाद? कभी सुना है कि यार 3000 रैंक थी मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, 4000 रैंक थी मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, यार मुझे अच्छी मेटलर्जी मिल रही है, माइनिंग मिल रहा है, ये वाली ट्रेड मिल रही है ना, ये सब ट्रेड है? सुनी हूँ सीनियर्स से अपने। देखो बेटा आपको यदि कंप्यूटर साइंस चाहिए, किस कॉलेज में चाहिए डिसाइड करो। जैसे मैं बोलता हूँ IIT गुवाहाटी, तो सबसे सुंदर ब्यूटीफुल का दर्जा दिया गया IIT गुवाहाटी के अंदर ही, तो क्या है आपके पहाड़ है ना, और रुड़की भी अच्छा है ना, दिल्ली भी अच्छा है। मीन्स जब आप पढ़ते हो ना, तो
तो आपको फिक्स कर लेना चाहिए कि ट्रेड कौन सा ले, ट्रेड जब आप कंप्यूटर साइंस लेना है तो रैंक कितनी होनी चाहिए पता आपको ऑल इंडिया रैंक। कुणाल कभी सर्च किया है? कुणाल ने तो क्या सर कभी सर्च किया कितनी रैंक जाती है कंप्यूटर साइंस के लिए? यस सर। कितनी? अंडर 100। ये तो आप बॉम्बे की और तुम दिल्ली की बात कर रहे हो, कानपुर की बात कर रहे हो। अंडर 500 आओगे ना रैंक में तब आपको मिलेगी, और आपको भी अच्छी ट्रेड चाहिए जो 4-5 अच्छी ट्रेड है अच्छे है ना, उनके लिए आपको रैंक मिनिमम अंडर 3000 लानी पड़ेगी, उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। ये तो तुम्हारा टैग है 7 IITs में मिलेगा, तो आप समझ सकते हो कितनी मेहनत करनी है, समझ रहे हो? इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ ट्रेड के हिसाब से मेहनत करो, इसके हिसाब से करो ट्रेड के हिसाब से है ना भाई। ट्रेड यदि तुम्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए तो फिर उसके हिसाब से मेहनत करो, क्योंकि उसको देखो कितना जाता है, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है बच्चों को माइनिंग मिलता है, बोलते चलो कुछ नहीं IIT का टैग ले लेते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था प्रियांशु करके था, ग्वालियर का स्टूडेंट था, उसका इस साल सिलेक्शन हुआ तो उसने उसको लेना था कंप्यूटर साइंस, मिला क्या उसको माइनिंग, शायद हुड़की मिला हुआ है ना, तो वो चीज़ हो जाता है फिर कंप्रोमाइज करोगे लाइफ में। इसलिए भाई पहले ही पढ़ लो कि जितनी भी ट्रेड होती है ना ऑल इंडिया रैंक पे, जितनी भी ट्रेड तो सारी ट्रेड हैं, आप जितने भी उसमें जाएँ डिपार्टमेंट, हर ट्रेड आपके लिए क्लियर हो, हाँ ये भी मिल सकती है, हाँ ये भी मिल सकती है, हाँ ये भी मिल सकती है, तो आप चॉइस कर रहे हो मुझे कौन सी ट्रेड लेना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चा हर साल ये प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ भाई अभी से प्रिपेयर हो जाना है इस चीज़ के लिए, मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए तो मुझे अंडर 500 रैंक के अंदर लाना ही है, कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए लाना ही है तभी बनेगा। या NIT भी जाओ, टॉप NIT NIT हो गया, वारंगल हो गया है ना, इलाहाबाद हो गया, और आपका NIT नागपुर हो गया, तो इस तरीके से ट्रेड के हिसाब से पढ़ा करो, पहले रैंक देख लो भाई, तक कंप्यूटर साइंस सबको नहीं मिलती है, आप जब रैंक देखोगे अपना ट्रेड देखोगे तो उसी हिसाब से पढ़ाई करो। कुणाल अस्मिता अबूजा समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, हर साल प्रॉब्लम्स आती है तो बच्चे कंप्रोमाइज करते हैं, अरे सर ये हो गया, और स्कोप है नहीं उतना इंडिया में, तो माइनिंग में कितना स्कोप है, कितनी माइनिंग बताओ, नहीं है ना उतना स्कोप। हाँ आउट ऑफ इंडिया है कुछ स्कोप मिल जाएगा, बट उतना नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए भाई जो भी ट्रेड चाहिए उसके लिए पढ़ो, अपनी 7 IIT जो मेन पुरानी IIT है उनको पहले टारगेट करो, नई IIT जितनी अच्छी नहीं जितनी पुरानी IIT अच्छी है, खड़गपुर जैसे इस साल IIT खड़गपुर ने पेपर बनाया, तो सिंपल सी बात है कि फिजिक्स का पेपर टफ आने वाला है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज बनाती है पेपर IIT, तो सिंपल सी बात है वो टॉपिक उनका टफ होता है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना भाई है ना, ट्रेड के हिसाब से पढ़ना। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ अभी क्योंकि 12th पूरा पढ़ा है तुम लोग भूल जाते हो, उस तरीके से नहीं पढ़ते, फिर बाद में आपको जब सिलेक्शन होने के बाद फिर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपका यहीं पर नहीं है एम आपका है सिलेक्शन के बाद काउंसलिंग राउंड में भी आप अच्छे से कर लो। कोई बच्चा क्या कहता है अरे सर इतना पढ़ाया मिला क्या मायने, मिला क्या मैटर, तरीके से मैं बता, ठीक है समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। चलो आप आगे बढ़ते हो, तो भाई सर्च करो, एक दिन टाइम निकालो सर्च करो IITs में कौन सी IITs में जाना है, कौन सी नहीं, क्या करना है उसी IITs में जाना कैसा है, ये सब सर्च करो। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, अच्छा जैसे मान लो मैं तुमको C++ दे दूँ, C++CH इसका मैं HBO कराऊँ तब क्या बनेगा, और इसका मैं OMD कराऊँ तब क्या बनेगा,
लगाओ। यहाँ पे मैं NO2 लगा दूँ, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। इसकी मैं रिएक्शन SI से करा दूँ तब क्या बनेगा। इसमें ये वाला शायद जेई में आया हुआ है, हो जाए तो हाँ कर देना। हो गया, हो गया बच्चे पार्टी। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हो गया कि नहीं हुआ? ये मैंने कराया था, वो MD कराओ तो क्या बनेगा बताओ? दोनों ही केस में आपका क्या बनेगा बोलो? याद है हमने बताया था जब आपको CCL3 CBRT, देखो पलटो पेज पीछे, दोनों ही केस में यही बनेगा। HBO करा लो चाहे आप ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, अभी याद हो आपको COOH ले लिया था हमने, बताऊं क्या फिर से C CH, फिर मैंने लिया था NO2 ले लिया था, है ना, COOH, फिर हमने क्या लिया था बोलो, CF3 ले लिया था इस तरीके से। जो ग्रुप जी इनका मैंने क्या कराया था, हाइड्रोबोरेशन कराया था या ऑक्सीडेशन, या आपका क्या कराया था OMD, दोनों ही केस में क्या बना था आपको, है ना, LDH बना था ना, इसको मैंने G मान लिया था। Yes, तो क्या बना था, जी CH2 CH डबल बॉन्ड, याद आ गया? Yes. Yes, sir. ये बताओ क्या हुआ बताओ, HI कैसे बनाऊं? याद है मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था CH2 माइनस NO2 माइनस I। अच्छा इसमें ये होता पहले इंटरमीडिएट क्या बनेगा बोलो, अब बोलो भाई, भूल गए? मैं बताऊं क्या, कुणाल हेलो हेलो, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? तो H+ आयन करेगा यदि ये वाला कार्बोटाइन बनेगा, ये वाला कार्बोटाइन, जो दो कार्बोटाइन बनेगा, मैं दोनों दिखा दूँ इस तरीके क्वेश्चन कभी मिलाई दिखाई दे तुम्हें, जब मिले NO2 अच्छे से बना लेते हैं इसको, दूसरा
अच्छी से लगा लेते हैं। देखो एनओ टू है ना, सी एच प्लस, या तो एक ही कार्बोटेन बनेगा ठीक है ना, सी एच टू, या तो बॉन्ड ये यहां फिक्स होगा एक्स प्लस ट्रैक करेगा या यहां फिक्स होगा। लेकिन आपको पता है, देखो बेटा उत्तर पार्टी, यदि आप इस साइड शिफ्ट करेंगे तो मैंने बताया था जितना ज्यादा प्लस माइनस एम होगा या माइनस आई होगा उतना ही कम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा। पढ़ा होगा ना ये वीजोमेरिक इफेक्ट से, है यस ना, कार्बोकैटायन होगा। तो भाई ये इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं ना। तो देखो तो फिर कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चा पार्टी, कौन सा होगा बोलो, ये वाला। अरे ये क्या हो गया, देखो एक मिनट पेन चेंज, हाँ तो फिर क्या बनेगा, देखो जब ये वाला है तो फिर कौन सा बनेगा बताओ कार्बोकैटायन, क्योंकि क्या दे रहा है ये, माइनस आई से भी खींच रहा है माइनस एम से भी खींच रहा है। बताया था कल ना मैंने, ऐसे ऐसे ग्रुप जी जिनसे एक ग्रुप जुड़ा हुआ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उन्हें क्या बोलते हैं डीएक्टिवेटर, और यहाँ पे करना है कार्बोकैटायन। तो फिर आई कहाँ लगेगा, आई आपका यहीं पे लगेगा। क्लियर हुआ, हेलो यस सर। यस सर, समझ में आया ना। तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग ये बताओ, मैं यहाँ बोलता रहता हूँ तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो। अरे नहीं हुआ तो पूछ लो, सर नहीं हुआ उसमें कोई वो थोड़ी ना है, इंसल्ट थोड़ी ना होती है भाई। मैंने बोला 50 बार नहीं आया तो 50 बार पूछो, लेकिन क्लियर करो भाई डाउट। अब चुप्पी मत साधा करो तुम लोग, आपकी में चुप्पी मत साध जाना। यदि इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, बताओ क्या बनेगा। इथेन तब क्या बनेगा ए, और इसी का हम फिर क्या करा दें, NaNH2 से रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा बी। फिर हम इसका क्या करा दें, 2 टाइम ETCL से रिएक्शन करा दें, सी बन गया। फिर हम इसका करा दें चलो करा देते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड कैटलिस्ट करा दिया, तो क्या बन गया डी। बताओ ABCD क्या हुआ ना। और क्वेश्चन देखो, यदि हम इसका करा दें C double O के इलेक्ट्रोलिसिस, क्वेश्चन नोट कर लो फिर करना करके सॉल्व ठीक है। इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करा दें तब क्या बनेगा, बनाओ भाई
हुए हो गए पार्टी नो सर नहीं हो पाए इसमें क्या बना सर इथीन इथीन तो ये वाला क्यों नहीं हो पाया वो सर ये तो आसान था क्या हो गया एसिटिलीन बनेगा यानी एनएच2 करोगे तो क्या बनेगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी कितने क्वेश्चन कराए हैं यार इसके एनए एनए ईटीसीएल करोगे तो क्या बनता था C ट्रिपल बॉन्ड C क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ भी ET लग जाएगा और यहाँ भी ET लग जाएगा एस्टिन पे जब लिनलार्ड कैटलिस्ट कराओ तो कौन सा एडिशन होता था सिक्स एडिशन ये बनाए थे कुणाल यस सर हो गया बात तुमसे यस सर अश्मिता यस सर यहाँ पे क्या बनेगा बताओ ये आएगा सर साइक्लो ब्यूटी वेरी गुड यहाँ पे बाईस आएगा कंपाउंड यस अरे जैसे मान लो आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था बच्चा से ले लेते हैं तो कन्वर्जन नहीं कुछ और लास्ट से लास्ट टाइम दिखाई ओके सर ओके सर हाँ समझ गया क्वेश्चन कराने हैं ना थोड़े से एक दो क्वेश्चन और कराते हैं अच्छे से पीएच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू इसकी रिएक्शन हमने कराई बी आर टू ब्रोमीन वाटर से तो बताओ ये क्या बनेगा इसी के लिए एक्शन हमने करा दी Cl2 CCl4 से तब क्या बनेगा इसी की रिएक्शन करा दी हमने ClBr CCl4 तब क्या बनेगा इसी की रिएक्शन करा दी हमने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ ब्रायन सॉल्यूशन तब क्या बनेगा और इसी की रिएक्शन भी हमने करा दी PLOS से तब क्या बनेगा
हो गया बोलो। यस सर। टेलीवर कुनाल ब्रांच सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? NaCl प्लस वाटर एक्वस NaCl को ब्रांच सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ पे कितने सॉल्यूशन, यहाँ पे भी हम पूछे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने थे? कुनाल अस्मिता हो गया? अस्मिता यस सर। लो हो गए ना, चले आगे बढ़े। देखो जब हम ब्रोमीन वाटर से कराएंगे तो उसमें जो इंटर जो इसमें यदि मैं पूछूं इसमें इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा जो बनता है PsCHOHCH2Br, यही बनेगा। बोलो बोलो भाई। यस सर। यस सर। अच्छा क्लोरीन पीएच, ये तो बहुत आसान था, सीएल कहीं भी लगा दो इसमें भी इसकी मिरर इमेज मिलेगी। ये बताओ इसमें क्या होगा, सीएच यहाँ पे क्या आएगा, सीएल यहाँ पे पीआर की मिरर इमेज बनेगी। जब आप ब्रोमीन सॉल्यूशन से कराएंगे तो इसमें तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, देख लो पीएच टीएच, यहाँ पे एक बार तो दोनों ब्रोमीन लगा दो ठीक है ना, एक बार पीएच मिरर इमेज सबकी मिलेगी ठीक है ना, पीएच सीएच एक बार सीएल लगा दो, और इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो होता है एल्कोहल वाला, एक बार क्या मिलेगा एल्कोहल। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बता दो, ये वाला क्वेश्चन। यस सर। सभी को ना, क्योंकि इसमें क्या है जो एक तो बनेगा ये इंटरमीडिएट बनेगा समझ लो, जिसको क्लियर नहीं है वो समझ ले, यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन बना होगा है ना, फिर आप इसके पास बचा क्या है बी आर माइनस भी है, OH माइनस भी है, एक्वस सॉल्यूशन है ना, और सी एल माइनस भी है, ये अटैक करेंगे फिर एक एक कर। क्लियर हुआ? हाँ यहाँ पे हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो, जब हम इससे कराएंगे सी एल ओ एच इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस तो क्या बनेगा यहाँ पे पी एच टी एच ओ एच सी एच टू, ये बनेगा। yes. यदि मान लो मैं यहाँ पे ये दे देता सी सी एल थ्री टी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, अब मैं इसकी रिएक्शन कराता सी एल ओ एच
इंपेजेंस ऑफ एच प्लस, अब क्या बनता? अच्छा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ पिस्टनल डाइहैलाइड पढ़ा आपने? कुणाल पढ़ा है ना? अच्छा कैसा एलिमिनेशन होता था, हैलोजन कैसे होने चाहिए थे वहां? नहीं पता? बताओ यहाँ पे बताओ क्या बनेगा? CCl3 बोलो, CH यहाँ पे अब क्या आएगा बोलो, Cl यहाँ पे क्या आएगा? क्यों? क्योंकि कैसा ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा, तो यहाँ पे जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा, इसीलिए कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे OH- यहाँ पे अटैक करेगा। क्लियर हुआ? यस। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ ले। अच्छा कोप एलिमिनेशन पढ़ा था आपने? चलो क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन देखो, एच बी आर एच सी एल और यहाँ भी क्या हो जाए एच सी एल, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? यदि मान लो एन ए आई एसीटोन से करा दें या जिंक डस्ट से कराते हैं, याद होगा ना आपको, या कैसा कराते हैं, जिंक डस्ट भी ले लेते हैं यहाँ पे, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये ले लें हम आयोडीन टीएल बीआर, इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट से कराते हैं, आपको इस तरीके से दे दिया जाए क्वेश्चन। सीएल दिया जिंक डस्ट से करा दिया जाए, आयोडीन जैसा। आयोडीन तो अब जब आपको कोई प्लेन नहीं दिया तो एंटी माना पड़ा हमेशा, ऐसा होगा फिर एंटी होगा। चल मैं दे देता हूँ, आप एंटी कर ही देता हूँ, सही कर देता हूँ, क्लियर हो गया। यहाँ पर मुझे मेजर एलिमेंट चाहिए, कौन सी बनेगी मेजर? यहाँ पे तुम मुझे मेजर चाहिए इस वाले के, नंबर ऑफ ओवर
हो गए बोलो बच्चा पार्टी हो गए क्वेश्चन बोलो भाई कुणाल हो गए यस सर तो बताते क्यों नहीं हो तुम लोग पता नहीं देखो यहाँ पे कैसा होना चाहिए ट्रांस होना चाहिए एंटी एलिमिनेशन देखो ये वाला ब्रोमीन तो नहीं हटेगा फिर कौन सा हटेगा ये वाले दोनों क्लोरीन कैसे हैं एंटी हैं कौन सी बनेगी एल्कीन बताओ मतलब दोनों जो एक्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए एंटी कोप्लेनर होने चाहिए अच्छा यहाँ पे क्या होगा बताओ यहाँ पे रिएक्शन होगी नो सर रिएक्शन ही नहीं होगी क्यों क्योंकि क्या नहीं है दोनों एक्स जो है यहाँ पे एंटी कोप्लेनर है ही नहीं क्या नहीं एंटी कोप्लेनर है ही नहीं ठीक है कितना क्लियर हो गया आगे बढ़े यस सर इसमें बताओ अब देखो ये दोनों क्लोरीन ब्रोमीन क्या है सेम प्लेन में और क्लोरीन आयोडीन अपोजिट प्लेन में तो कहां ले लिया हमने यहां पे बताओ यहां पे मेजर एल्कीन यहां पे कौन सी एल्कीन बनी दो एल्कीन बनी होंगी एक तो ये वाली और एक मेजर कौन सी होगी कोई बच्चा बता पाएगा यहाँ पे अस्मिता सर हॉफमैन कुणाल कोई आंसर है अबूजर नो सर देखो जो आयोडीन होता है ना यहाँ पे जो आयोडीन वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है क्या होता है अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो आसानी से लीव कर जाता है ठीक है ना इसीलिए जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चा यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आयोडीन वाला बनेगा ये कौन सा होगा माइनर ये आसानी से लीव कर जाएगा ठीक है ना क्लियर हुआ यस ठीक है अच्छा यहाँ पे बताओ कौन सा अब तो यहाँ पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है यही वाला बनेगा कोई कंडीशन ही नहीं है इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ yes. जैसे आपको दे दिया जाए आर एफ आर सी एल आर पी आर और आर आई इन चारों में ये बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर किसका ज्यादा हो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा हुई बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा हुई
बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की है तो क्या होगा, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अट्रैक्शन बहुत अच्छा हुआ, जब अट्रैक्शन बहुत अच्छा हुआ तो एनर्जी क्या होगी उसकी? बॉन्ड मजबूत होगा तो एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, डिक्रीज है ना। अच्छा बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? आर आई साइज बड़ा है। आप भी जानते हो ना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में साइज किसका ज्यादा है? आयोडीन। अच्छा अब बच्चा लोग ये बताओ तुम लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है भाई ऑर्गेनिक में, पहले मुझे ये बताओ। मुझे ऐसा फील हो रहा है तुम लोगों को कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग हो तो बताओ मैं बता दूँ, कुछ चीज छूट रही हो तो बताओ मैं बता दूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है बोलो। कुणाल अस्मिता हाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो सर। अस्मिता यस सर। कुछ प्रॉब्लम आ रही है नहीं? अच्छा और अबूजर मान नहीं मान रहा हूँ क्योंकि आप बोले नहीं इसलिए। सर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ी प्रैक्टिस कमी हुई थी इस वजह से थोड़ी दिक्कत। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है? प्रैक्टिस की कमी थी इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, तो मैं तुम्हारी तरफ से पूछूं तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या ऑर्गेनिक में? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लो। देखो सीधी बात है, यदि तुम्हें कोई चीज नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो तुम मुझसे पूछो सर ये सॉल्व नहीं हुआ बता दो, तभी तो मुझे पता चलेगा। डॉक्टर के पास तुम बताओगे नहीं मुझे पेट में दर्द है, तुम डॉक्टर से बोलो सिर दर्द दो, क्या दे देगा? सिर दर्द की दवाई दे देगा। तो मुझे अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बताओगे तो मैं कैसे सॉर्ट आउट करूंगा? सुन रहे हो ना सभी लोग? यस। तो प्रॉब्लम्स बताओगे तभी मैं सॉर्ट आउट करूंगा, यदि प्रॉब्लम्स नहीं बताओगे तो मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पाऊंगा ना फिर, कि ये लगता है कि भाई मैं क्या सोचूंगा ऐसा कुछ। एक बात ध्यान रखना, कितना बड़ा टीचर हो या कितना ज्ञानी स्टूडेंट हो, सीखने की जरूरत हमेशा सभी को रहती है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, एक बात ध्यान रखना ठीक है ना। तो आप हमेशा पूछा करो भाई, कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा बनाओगे है ना उतना अच्छा तुम्हें समझ में आएगा, उतनी अच्छी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। कोऑर्डिनेशन नहीं बनाओगे तो फिर वो मजा नहीं आता उस चीज में। कल का बताओ क्या करना है, अब सब लोग अपना अपना सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, जो डिसीजन हो बोलो सब में राजी है। चलो मैं एक एक करके पूछ लूँ क्या? अबूजर तुम बताओ क्या चाहते हो, कल क्लास होनी चाहिए? सर रख लेते हैं। अच्छा अस्मिता? यस सर। और इनका नाम क्या है? कुणाल? यस। आदित्य? यस सर। नहीं मन की बात बोलो, मैं तो पीयूष। यस सर रख लेते हैं। गौतम? सर कल नहीं रखते। कल नहीं रखते हैं। अच्छा और ये क्या लिखा नैंदिस सोलन, सोलन की नंदिस को सोलन की, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं अभी इस ग्रुप में? अच्छा जो बच्चे आओगे ना तुम लोग तब तो मैं रखूं क्लास, पर चले कल भी तुम इतने कम आए तो रख देते हैं फिर है ना। डन? यस सर। डन ओके। तो डाउट अपने क्लियर रख लेना, सब कुछ पूरा पूछ लेना, जो कुछ भी लगे कहीं प्रॉब्लम लगे तो पूछ लेना सारी चीजें है ना। अच्छा और देख लेते हैं बच्चा पार्टी। इनको क्वेश्चंस और देख लेते हैं, जैसे मैं बोलूंगा
इसका यदि हम क्या करा दें, इसका हम करा देते हैं O3 presence of zinc A बना, फिर N2H4 in presence of KOH heat करा दिया B बना, बताओ ये है, हम ये बताना है क्या बनेगा। ओजोनिसिस करा दिया मैंने इसका, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो तुम्हारी क्लास में है कितने बच्चे? तो वैसे तो 20 होने चाहिए थे। अच्छा, कल हमें लगता बच्चे लोग सोचे सिलेबस कंप्लीट हो गया। तुम लोग स्टार्ट कर दो, मैं बहुत ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग पीछे बीके जैसवाल, केमिकल बॉन्डिंग करना है ना पेपर के बाद स्टार्ट है ना, क्वेश्चंस करने उसके yes. है ना, तो अपन हर एक बुक सॉल्व करेंगे पूरी पूरी, पीके जैसवाल भी उठाएंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर अपन एम एस चौहान के भी क्वेश्चन उठाएंगे, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 सब करेंगे सॉल्व एक एक क्वेश्चन, ठीक है? तो तैयार रहो बस आप लोग, ठीक है? एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। यदि आपने एक बार ये सब सॉल्व कर लिया ना तो एडवांस एडवांस तो ऐसा लगेगा चॉकलेट खाते हो, लॉलीपॉप खाते हो, लॉलीपॉप खाई तो उसी थे बस खत्म बात। बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, ओजोनिसिस करोगे जिंक के प्रेजेंस में, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O है ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, बुल किसने रिडक्शन करोगे तो एल्केन बन जाएगा है ना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का, क्यों? यस क्लियर है इतना। अच्छा यहाँ पे बताओ क्या होगा, क्या ये क्या होगा यहाँ पे, तीनों को जोड़ दो डबल बॉन्ड, वेरी गुड, तीनों को जोड़ दो, इसमें 6 मेंबर की बना दूं, 5 मेंबर की बनेगी नहीं, तुम लोग बना लोगे, समझ गए ना इसको, बना दूं अलग अलग बना देता हूं, यस सर बना दूं, यहां बना दे रहा हूं मैं उसका आंसर, अच्छा एक बात बताओ, तुमने एक चीज पढ़ी है जिंक का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है, जिंक यदि हम जिंक को हीट कर दें तो कैसा कलर का मिलता है, कभी सुना है? अच्छा ये सुना है जिंगा याला, बोलो सुना है? नो सर। तो आप सुनो क्या बोलोगे, डेली क्या चिल्लाओगे तुम, क्या चिल्लाओगे बोलो, जिंगा याला, जिंगा याला, जिंगा याला मतलब जिंगा, मतलब जिंग मतलब जिंक, तो जब आप हीट करोगे तो आपको कैसी फ्लेम मिलेगी, याला, या मतलब येलो, याद रखोगे अब बोलो, यस सर। अच्छा सोडियम को हीटिंग इफेक्ट कराते हैं, मैं ऐसी बस पढ़ा बताने को, सोडियम की हम कौन सी कलर की फ्लेम मिलती है, अच्छा सोना सोना पड़ा है, सोना सोना है ना, सोना ही सोना गाना सुना है ना, सोना सोना सुना है मतलब समझे, यस सर, कैसा बोलो, गोल्डन येलो, अच्छा बेरियम की ब्रेक होती है किस कलर की होती है, रेड, रेड, तो ब्रेक कैसा मिलेगा बेरियम बताओ, रेड कलर का, यदि हम किसी, यदि हम लिथियम और क्रिम्सन पे मार दें तो कैसे हो जाएंगे वो, कुछ नहीं नहीं बेरियम की ब्रेक उठाई नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, बेरियम क्या होता था, यदि बेरियम को फ्लेम कर हीटिंग करते तो क्या होता था बोलो, कौन सी फ्लेम मिलती थी,
रेड और कोई बताओ बेरियम शायद ग्रीन 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 फ्लेम होती है उसकी ग्रीन लाइट में मिलती है बेरियम ना यहाँ पे ब्रिक रेड मिलता है एप्पल ग्रीन बेरियम का एप्पल ग्रीन उठाया और हमने किसको मार दिया लिथियम को मार दिया लिथियम कैसा होता है बताओ तरीका हीटिंग से हीट फ्लेम देता है चलो बात करेंगे जब हम ऐसे लोग पढ़ाएंगे तब बात करेंगे है ना क्रिम्सन रेड हो गया सुना ये सब क्रिम्सन रेड किसका होता है हीटिंग फ्लेम चलो हम जब रिवीजन कराएंगे तो तब हम बताएंगे तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो तो आप जिंक का हीटिंग इफेक्ट याद कर लोगे ना यस सर तो हम बात करेंगे जब हीटिंग इफेक्ट कराएंगे फिर हम वहाँ पे आपको हापा की मेटल जो होती है ना वो भी बताएंगे बताएंगे रिवीजन के तौर पे जब लेंगे अच्छा अभी क्या लेना अपने को केमिकल बॉन्डिंग ठीक है कल तो अपन क्या करेंगे फिर से प्रैक्टिस करते क्वेश्चंस की हैं पढ़ के आओगे तुम लोग यस सर पूरा तो पहले क्या पूछोगे आप सारे डाउट क्लियर कर लेना अपने तो दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ नहीं पूछना फिर क्या किया जाए गुड नाइट किया जाए आप लोगों को यस सर ठीक है फिर गुड नाइट टाटा बाय बाय गुड नाइट सर गुड इवनिंग सर